Guys, कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं ये तो टॉपिक्स हैं अब कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं जैसे कि इसमें क्वेश्चन है अजय आशीष डिसाइडेड टू रन क्लिनिक इन स्लम एरिया अजय आशीष कहते हैं कि भाई हमें तो क्लिनिक स्टार्ट करना है स्लम एरिया में प्रोवाइडिंग अ फ्री मेडिकल एडवाइस जिसमें हम फ्री मेडिकल एडवाइस देंगे एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट मेडिसन फ्री ऑफ कॉस्ट भाई हम सेवा करने आ रहे हैं यहाँ पर बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट वन लैक ईच एज इनिशियल कैपिटल दोनों ने एक एक लाख रुपए स्टार्टिंग में लगाए शुड दे एंटर पार्टनरशिप एग्रीमेंट गिव रीजन क्या उन्हें पार्टनरशिप स्टार्ट करनी चाहिए नो no. भाई वो समाज सेवा के लिए आ रहे हैं वो कोई पार्टनरशिप नहीं आ रहे पार्टनरशिप जब भी होती है सो so, मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस शेयर बेसिस पर होती है सो so, पार्टनरशिप प्रॉफिट कमाने के मकसद से आते हैं हम उसमें सेवा भावना नहीं होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है सो so, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है सो so, इसे पार्टनरशिप हम नहीं मानेंगे दूसरा क्वेश्चन है जैसे इसमें राजेश एंड प्रभु वेरी गुड एंटर अ पार्टनरशिप टू नेमली मेसर्स स्टार्टअपीज उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही कर लिया और राइटिंग अ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड भी बनाई है आगे वो कहते हैं राजेश इन्वेस्ट मोर कैपिटल देन प्रभु ओके एंड ऑल्सो मैनेजेस दी बिजनेस राजेश ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और बिजनेस को मैनेज भी करके चल रहे हैं राजेश डिमांड दैट ही शुड बी गिवेन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ प्रॉफिट इंस्टेड एज एग्रीड भाई अगर आप पहले डीड के समय पर 50% परसेंट पे थे तो आज हम आपको 75% नहीं देंगे ठीक है तो जो डीड में डिसाइड हुआ है वही प्रॉफिट दिया जाएगा सो इज डिमांड एक्सेप्टेबल नो राइट अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन वेद इंटेंट टू रिटायर फ्रॉम द फॉर्म एंड इज सन देव बी हम admit कर सकते हैं किसी भी आ, पार्टनर को जब सारे पार्टनर एग्री हो जाए अगर आपकी डीड में नहीं भी था डर लेकिन सारे पार्टनर अगर एग्री करेंगे तभी हम उसके बेटे को एडमिट कर सकते हैं डीड में so, सो क्वेश्चन था क्वेश्चन देखते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड देखो इसमें एक क्वेश्चन है अनीता एंड आशा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन फर्स्ट अप्रैल 2018 कब स्टार्ट किया उन्होंने बिजनेस 2018 में फ्रॉम अ प्रॉपर्टी ओन बाय अनीता अनीता की प्रॉपर्टी थी बिजनेस स्टार्ट कर लिया इट वाज एग्रीड दैट अनीता विल बी पेड रेंट एट 10000 पर मंथ फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2019 अनीता को हम रेंट देंगे कब लेकिन एक अप्रैल 2019 से और बिजनेस हमने स्टार्ट किया 2018 से ओके एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 31 मार्च 2019 को 18 से 19 का जब एंड हुआ हम अकाउंट बनाने लगे अनीता ने बोला भाई मुझे तो रेंट दो अनीता डिमांडेड दैट रेंट बी क्रेडिटेड टू हर अकाउंट तो क्या रेंट दिया जाएगा उसे नहीं दिया जाएगा भाई उसको हमने पहले ही जब एग्रीमेंट बना था तो हमने उसको बोला था फर्स्ट अप्रैल 2019 से दिया जाएगा तो इकतीस मार्च 2019 को हम क्यों देंगे सो दैट इज़ नॉट उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करी जाएगी उसके बाद है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मिसर्स ए बी सी कंपनी इज एडवाइज टू डेबिट सैलरी एंड कमीशन ऑफ अ पार्टनर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाई डू यू थिंक दैट शुड नॉट बी डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो कह रहे हैं क्यों नहीं दिखाना चाहिए तो देखो जो भी सैलरी एंड कमीशन होता है वो अप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही देंगे तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे हम कहां दिखाएंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में राइट right, डांस सो so, ये कुछ क्वेश्चन थे आई होप आपको समझ समझाए होंगे इसके अलावा गाइस कुछ और क्वेश्चन भी बताती हूँ लाइक like, जैसे आपको चॉइस में जब क्वेश्चन आते हैं जैसे कि पार्टनर्स जो भी कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं है ना दो टाइप के कैपिटल अकाउंट होते हैं एक तो होता है आपका एक होता है फ्लक्चुएटिंग फिक्स के केस में दो अकाउंट बनते हैं एक करंट और एक कैपिटल अकाउंट लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केस में सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है राइट जो कि बहुत इजी है बनाना अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वीडियो में देख लेना अब गाइस इसमें कई टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ जाते हैं कि भाई कौन सी आइटम किस अकाउंट में क्रेडिट करी जाएगी अब उन्हीं टाइप के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जैसे कि इन्होंने बोला है स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर कोई एक डिफरेंस बताओ फिक्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सो देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस फिक्स कैपिटल का कभी भी कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का हो सकता है इसके बाद गाइस नंबर ऑफ पीपल्स तो आपको पता चली गए हैं कितने मिनिमम दो और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं फिफ्टी हो सकते हैं अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं आ, आ, नेक्स्ट क्वेश्चन काना नीरज आशा तीन पार्टनर्स हैं उन्होंने राघव को एडमिट किया राघव जो कि लैंड है बिजनेस लैंड था उसे उन्होंने एज अ अपना पार्टनर बना लिया है अब राघव ब्रिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम भाई वो कैपिटल भी ले आया प्रीमियम भी ले आया एज अ शेयर इन द प्रॉफिट राघव गिव अ लोन ऑफ रुपीज वन लैक एट अ टेन परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट द पार्टनरशिप फॉम बिफोर ही बिकेम द पार्टनर सो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि एक लाख रुपये मैं लोन दे रहा हूँ और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा टेन परसेंट पर एनम से नाउ अकाउंटेंट ऑफ द फॉर्म लोन शुड बी पेड परसेंट पर एन एम इज ही राइट इन डूइंग सो सो भाई अकाउंटेंट क्या सही है जब उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि हम टेन परसेंट पर एन एम से मैं इंटरेस्ट लूंगा तो अब अकाउंटेंट आके बोले कि भाई सिक्स परसेंट पर एन एम क्योंकि एक्ट में तो सिक्स परसेंट पर एन एम लिखा है सो so, क्या वो देंगे सो so, गाइज नहीं अगर हम जो मर्जी हम डिसाइड करें तो वही चलेगा लेकिन अगर हम डिसाइड नहीं करते तब एक्ट आता है सो so, अगर हमने डिसाइड किया 10%, 20%, 50%, तो वही माना जाएगा सो so, उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था तो वही चीज मानी जाएगी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस काजल नीरव अलीशा तीन पार्टनर्स है थ्री टू वन का रेशो है और वो एडमिट करते हैं राजन को अगेन uh, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है एज लैंडलोर्ड uh, को एज अ पार्टनर एंड राजन कैपिटल लेके आता है एंड गुडविल लेके आता है द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म पास द एंट्री ऑफ अ रेंट पेड फॉर अ बिल्डिंग टू राजन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भाई जो भी रेंट पे किया जाता है किसी पार्टनर को वो अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्टनर है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है भले ही बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो हमें रेंट देना ही होता है सो so, कोई भी चाहे पार्टनर बने जो रेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है गाइस तो so, इस चीज़ को याद रखना है अब एक चीज़ और गाइस बताती हूँ कि अगर आप कभी भी पार्टनरशिप में आते हो और पार्टनरशिप में जैसे अगर आपने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया तो आप साइड बाय साइड अगेन कपड़े का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते आपको कोई और बिजनेस स्टार्ट करना है सो so, ये भी एक पार्टनरशिप का रूल होता है सो so, इस चीज़ का हमें अगर इसके बेस पर जैसे केस स्टडी आती है जैसे अक्षत बिलाल चारू पार्टनर्स हैं इन सेल ऑफ अ स्पोर्ट्स इक्ुपमेंट अक्षत विदाउट द नॉलेज ऑफ अ बिलाल एंड चारू इज ऑल्सो रनिंग दिजनेस ऑफ सप्लाइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले वो ऑलरेडी स्पोर्ट्स इक्वमेंट के सेल के बिजनेस में था अब वो उसने अपना भी स्टार्ट कर दिया विच हिज सन इज अ मेम्बर अपने बच्चे के साथ बेटे के साथ ही इज अर्निंग अ गुड प्रोफिट फ्रॉम दिस बिजनेस बट डिडेंट उसने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया यानी कि अपने अदर पार्टनर्स को क्या इस मामले में अक्सर सही है सो ही इज नॉट करेक्ट रनिंग अ पैदलर बिजनेस सेम बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते सो so, गाइज कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आ, इस आज की उस वीडियो में कराए हैं आई होप आप लोगों को ये समझ आए होंगे और अगर समझ आएं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मेरे से पूछ सकते हैं थैंक यू